गुड आफ्टरनून, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का यहाँ शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। एक बेहतरीन ये क्रिकेटिंग फैसिलिटी, और ना सिर्फ क्रिकेटिंग फैसिलिटी, यहाँ पे और भी बहुत से खेलों का आयोजन होता है। जबरदस्त वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज इस कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे क्यों मौजूद हैं? आज हम मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर खेला जाने वाला है क्वाड्रेंगुलर सीरीज का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला SCC 1983 और टीम ओएसएस के बीच में। ये दोनों टीमें जब भी आमने सामने होती है तो बड़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। दोनों ही टीमों में मुकाबला बड़ा कड़ा होता है, और अगर बात करें रिजल्ट की तो दोनों ही टीम्स कोशिश करती हैं कि मैच डीप से डीप जाए और एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिले। टाइम हो चला है यहाँ पे टॉस का, उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस जरूर करना चाहूंगा SCC को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज मेरे दाएं तरफ खड़े हुए, प्लीज कृपया आप इंट्रोड्यूस करें। अखिल एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग SCC 1983। अखिल, आज SCC 1983 1983 इसलिए क्योंकि इस क्लब की स्थापना 1983 में हुई थी एंड योर स्टूडी में मुझे सौभाग्य मिला है आज यहाँ टीम ओएसएस को लीड करने का। मैं आग्रह करूंगा आप अंपायर से कि कृपया वो चक्का उछालें। टेल्स इज द कॉल एंड टेल्स ही गिरा है। हमने चुनाव किया है कि हम इस बैटिंग करेंगे इस विकेट के ऊपर। वी वुड लाइक टू बैट फर्स्ट गिवन द कंडीशंस, गिवन द डायमेंशंस, और हमारा जो अनुभव रहा है इस ग्राउंड के ऊपर खेलने का, हमें लगता है कि चेस करने में थोड़ी सी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं अगर आपने स्कोर टांग दिया अपने स्कोर बोर्ड के ऊपर। 25 ओवरों का ये मुकाबला है, वाइट ड्रेस रेड बॉल ये श्रृंखला है, अच्छा बॉल मूव भी करता है। अगर यहाँ पर 25 ओवरों में हम 170-180 लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो निसंदेह एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। अखिल, आप टॉस जरूर हार गए, क्या करते अगर टॉस जीतते तो? डेफिनेटली हम लोग भी बैटिंग ही करते हैं एंड वी ऑलवेज बिलीव कि रन ऑन द बोर्ड इज ऑलवेज मेक्स प्रेशर ऑन द अदर टीम, तो टारगेट वही रहता। बट यस, इक्वली कॉम्पिटिटिव है, पहले बॉल करके आपको रिस्ट्रिक्ट करना कम टारगेट पे एंड देन फिर उसको चेस करना। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट श्रृंखला के हिसाब से भी। इसी सीरीज का पहला मैच जो कि टीम ओएसएस और SCC के बीच में हुआ था, उसमें टीम ओएसएस को हार का सामना करना पड़ा था। आज हम चाहेंगे कि एक बेहतरीन मैच खेल करके अपने नाम पर कुछ पॉइंट्स अर्जित करें और इस महत्वपूर्ण सीरीज के अंदर एक बार फिर से आगे बढ़ें। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों ही टीम्स के बीच में रोमांच की कमी नहीं होती है। अखिल, आप काफ़ी खेले हैं टीम ओएसएस के अगेंस्ट और हमने भी SCC को अंदर तक जाना है, कहाँ तक आपको लगता है कि एक सेफ जोन है जहाँ पर आपके जहन में है कि वहाँ तक रोक देना चाहिए? डेफिनेटली सेफ जोन इज समथिंग, जब हम पिच को देखते हैं जैसे वो बिहेव कर रही है तो उसके बाद डिसाइड करते हैं आफ्टर 5-6 ओवर्स। बट येस, जैसे दिख रही है पिच उस हिसाब से समवेयर नियर 140-150, सो इट इज ईजिली गेटेबल। सो एज फार एज SCC इज कंसर्न, दे वुड लाइक टू रिस्ट्रिक्ट टीम ओएसएस एनीवेयर बिटवीन 150-140 के जोन में। हमारी कोशिश होगी कि हम 170-180 का आंकड़ा यहाँ पर जरूर छुएं और SCC के लिए ये चेज मुश्किल बनाने में कामयाबी हासिल करें। मुझे कोई शक नहीं है कि एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला यहाँ स्टार्ट होने वाला है। ऑन दैट नोट, ऑल द वेरी बेस्ट अखिल। थैंक यू।